आज हम मॉड्यूल 11 में ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में सीखेंगे इस मॉड्यूल में पहले हम कवर करेंगे भी प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है उसके कौन से टाइप्स होते हैं फिर देखेंगे स्पेसिफिकली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कंसेप्ट फिर क्रिएट करेंगे एक पार्ट ड्राइंग जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होगा ट्राई करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, देन विल ट्राई टू क्रिएट आइसोमेट्रिक ड्राॅइंगन असेंबली एंड लेटर वी आर गोइंग टू क्रिएट दिल्ली ड्राइंग नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट्स टाइप्स देखिए यहाँ पे इमेज में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ठीक है यहां पर भी वही ऑब्जेक्ट है मैंने यहां पर लाइट सोर्स रखा हुआ है अब होगा क्या बिकॉज ऑफ लाइट उसकी जो परछाई है यहाँ पे एक स्क्रीन पर पड़ेगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइट सोर्स की लाइट सोर्स की वजह से इसकी इमेज जो यहाँ पे क्रिएट हुई है लेकिन कैसे हुई कि इसकी जो डिस्टेंस है और जो स्क्रीन से डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है ये मोटी होगी या छोटी होगी ठीक है तो ये जो लाइंस है जहाँ से, से ये लाइट्स निकल रही है और यहाँ पे उसको इमेज क्रिएट कर रही है उसको बोलते हैं लाइट रेस और टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर्स तो कंसेप्ट यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चर को हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी कि इट्स पार्ट्स की साइज कितनी है विड्थ कितनी है राइट तो वो हम पेपर पे ही दे सकते हैं तो हमें ड्राइंग बनाना पड़ेगा यानी कि रियल टाइम जो थ्री ऑब्जेक्ट होता है उसका हमें टू ड्राइंग बनाना पड़ेगा उसके लिए हमें थ्री पार्ट्स की जो इमेज है उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सो प्रोजेक्शन मीन्स एन इमेज एंड द एक्ट ऑफ ऑप्टेनिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो अभी मैंने बताया नाउ टेक्निकल पीपल ऑफन रिफर टू द इमेज एज व्यू तो हम यहाँ पे जो व्यू इमेज बना रहे हैं उसको वो बोलते हैं व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉपिक अगर आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो

लाइन्स ऑफ साइट आर कॉल्ड प्रोजेक्शन लाइन्स तो ये जो लाइन निकल रही है ऑब्जर्वर के आई से उसको बोलते है, of of so, है हैं लाइन ऑफ साइट और प्रोजेक्टर और सिंपली प्रोजेक्शन लाइन देखिए डिपेंड अपॉन द रिलेशन बिटवीन द प्रोजेक्टर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड नंबर ऑफ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यूज फॉर प्रोजेक्शन सो द प्रोजेक्शन मेथड आर क्लासीफाइड एज बिलो यहां पर दो चीजें होती है अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे दिखाया गया हिसाब से अगर चलता है तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है जितने भी प्रोजेक्शन लाइंस हैं एक दूसरे से पैरल नहीं है ठीक है अगर पैरल होती है तो अपना ये पहला ऑप्शन आ जाएगा पैरल प्रोजेक्शन और दूसरा है कन्वर्जन कन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि सारी जो लाइन ऑफ साइट है प्रोजेक्टर एक पॉइंट से निकल रही है और पॉइंट में मिल रही है ठीक है लेकिन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग में क्या होता है हम इसको फॉलो करते हैं क्यों कि इसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट की सही डायमेंशन ऑन पेपर पर मिलती है ठीक है तो पैरेलल प्रोजेक्शन की बात करें तो उसके भी दो टाइप्स होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक अब ऑर्थोग्राफिक सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है जिसमें भी एक व्यू और उससे ज़्यादा है तो हम उसको मल्टी व्यू प्रोजेक्शन बोलते हैं अगर एक ही व्यू लेकर चलते हैं और एक्जोमेट प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं एक सिंगल प्लेन पर प्रोजेक्शन करते हैं वहां पे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस का एंगल कितना है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है आइसोमेट्रिक में डायमेट्रिक में ट्राइमेट्रिक में अगर हम फिर से अगर मल्टीव्यू में आ जाए तो वहां पे भी देखिए मल्टीपल प्लेन्स होते हैं फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू हम निकालते हैं राइट तो उसके भी मेथड होती है कि भाई कैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट एंगल में करेंगे या थर्ड एंगल में देखिए कन्वर्जन प्रोजेक्शन मेथड में एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है कि थ्री टाइम अगर रियल लाइफ में यही होता है हम किसी भी चीज़ को थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो हमें हम क्या देख रहे हैं कि उसको जिस डिरेक्शन से देख रहे हैं तो हमारी जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है साइट है वो थ्री डायमेंशन में जाती है पैरल नहीं होती राइट तो हमें कभी कभी अगर बड़ी बिल्डिंग के साथ सामने देखते हैं तो बड़ी बिल्डिंग क्या कन्वर्जन करती हुई दिखाई दे रही है तो वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या जरूरी होता है कन्वर्जन प्रोजेक्शंस हम इसको समराइज़ करते हैं प्रोजेक्शन मेथड को सो so, प्रोजेक्शन में पैरलर प्रोजेक्शन होता है और कन्वर्जन होता है पैराल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दैट विल गिव द ट्रू डायमेंशन ऑफ अ पार्ट ऑन अ टू डी ड्राॅइंग्स इसलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है ठीक है ऑर्थोग्राफिक में देखिए ऑर्थोगोनल में क्या है कि मल्टी व्यू होता है और एक्जोनोमेट्रिक व्यू में क्या होता है कि भाई फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू और एक्जोनोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक डायमेट्रिक ट्रायमेट्रिक वहां पे आप यहाँ पे देखिए अगर मैं दिखाऊं तो ये तीन एक्सिस है तो सारे एंगल कितना अगर सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ठीक है अगर सेम नहीं है तो क्या होगा उसको बोलेंगे डायमेट्रिक डायमेट्रिक में दो एंगल सेम होते हैं और आइसोमेट्रिक में सारे के सारे जितने भी एंगल्स होते हैं साइड के फ्रंट और साइड व्यू के वो सेम होते हैं और ट्राईमेट्रिक में क्या होता है हर एक एंगल डिफरेंट होता है तो इस त्री तीन ओरिएंटेशन में हम ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं लेकिन ये एक ही व्यू होता है और इसके लिए हम एक ही प्लेन इस्तेमाल करते हैं इसलिए वो फॉल करता है एक्जोमेट्रिक प्रोजेक्शन में और हम एक ही प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन हम क्या एंगल सेट कर रहे हैं तीन सेम है तो आइसोमेट्रिक दो सेम है तो डायमेट्रिक और तीनों ही अलग है तो ट्राईमेट्रिक हल्के आइसोमेट्रिक कहाँ इस्तेमाल होता है तो आइसोमेट्रिक बेसिकली अब आप, आप बोले तो भाई पार्ट को पिक्टर वॉल्यूम में मैंने मतलब थ्री व्यू बताना है आपको जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंजीनियर या फिर कोई आम आदमी होता है उसको आसानी से समझ सकता है लेकिन मल्टी व्यू जिसमें ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में जो होते हैं मल्टीव्यू उसको समझने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का नॉलेज चाहिए जहां पे साइड फ्रंट व्यू होता है टॉप व्यू होता है साइड व्यू होता है जिसमें सारे डायमेंशन ट्रू वैल्यू के होते हैं और वही जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं ऑर्थोग्राफी का सो पैरल प्रोजेक्शन मेथड पर्टिकुलरली मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट आर कॉमनली कॉमनलीड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस रीजन क्या है कि दे विल गिव यू The true part, right? Now in orthographic projections mutually parallel projectors are parallel ab main bol raha hu parallel. अब मैं बोल रहा हूं agar main का क्या कंसेप्ट हुआ अगर मैं यहां से यहाँ से निकाल रहा हूँ ये दोनों पैरल है इसका मतलब क्या होगा इन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही कैरीफो होगा इस प्रोजेक्टेड इमेज पर मत, मतलब ट्रू डायमेंशन विल बी क्रिएटेड इन प्रोजेक्टेड इमेज इसके लिए हम क्या करते है? उसको parallel हैं उसको पैरल रखते हैं सो प्रोजेक्टर आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी दिस मैथड इज वाइडली यूज इन ऑल इंजीनियरिंग प्रोफेशन ठीक है मैंने अभी बताया कि भाई ट्रू शेप निकालना है टूटी ड्रॉइंग्स में दिखाना है तो यही एक मेथड आपको इस्तेमाल करनी होती है और सारे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में होती है आइए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या वेरायटीज होती हैं तो पहली है मल्टीव्यू और दूसरी एक्जेनोमेट्रिक देखो मल्टी में क्या होता है टू और मोर व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज ओरियंटेड इन सच अ वे दैट द टू ऑफ इट्स डायमेंशन विल बी विजिबल टू इन वन व्यू यहां पे ध्यान से देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं ऑब्जर्वर हूं ठीक है सो so, फ्रंट में से देख रहा हूं तो फ्रंट वाली जो इमेज है मैं वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करूंगा उसी तरह लेफ्ट साइड में देखूंगा तो यहाँ पे जो प्रोफाइल प्लेन है वहां पे मैं प्रोजेक्ट करूंगा अगर मैं टॉप्स में देखूंगा तो जो टॉप व्यू मेरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा यानी कि म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसके ऊपर मैं अपनी प्रोजेक्शन इमेज क्रिएट करूंगा तो यहीं पर वो बता रहा है द ऑब्जेक्ट ओरिएटेड इन सच ए वे दैट टू ऑफ इट्स डायमेंशन विल बी विजिबल इन वन व्यू मतलब मैक्सिमम डायमेंशन आप देखिए अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करता हूँ तो वृथ एंड हाइट आपको मिलेगी तो ये दो डायमेंशन हो गए यही ये, ये बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू या फिर फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों में एक चीज़ एक डायमेंशन कॉमन होता है हाइट का यहाँ पे वृथ का ठीक है तो उसकी वजह से हम आसानी से फ्रंट व्यू का अगर बना लेते हैं तो बाकी के टॉप व्यू साइड व्यू इजीली बना सकते हैं अब एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ओनली वन व्यू शोइंग ऑल द थ्री डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्रोन ऑन प्लेनो प्रोजेक्शन ये ऑर्थोग्राफिक और मल्टीव्यू में हमें क्या होता है हॉरिजोनटर वर्टिकल दो ही डायमेंशन मिलते हैं डेफ्थ नहीं मिलता है ठीक है लेकिन यहाँ पे एक ही व्यू में तीन ओरिएंटेशन में हमें क्या मिलेगा इमेज मिलेगी मान लीजिए मैं ऐसा बॉक्स बना रहा हूं ठीक है द ओरियंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन सच अ वे दैट इट्स थ्री म्यूचुअली परपेन्डिकुलर एजिसन इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस सो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अपना एक क्यूब है और ये जो है इंक्लाइन जो है वो है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस तो उसके साथ ये सारी एजिस विच इज पैरल टू द ऑल एक्सिस एक्स वाई जी आर मेकिंग अ सेम एंगल राइट यहाँ पे देखिए 120, 120 एंड 120 तो अपना पेल यहाँ पे है तो उसके साथ ये सारी एजिस और सारी एक्सिस भी बोल सकते हैं सेम एंगल बनाती है इसके लिए वजह से उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस सो इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एजिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक एन एन इक्वल इंक्लिनेशन टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन द एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस अगर ये जो है अगर ऐसा बनता है कि सारे दो एज के बीच में 120, 120 मतलब सारे एंगल जो सेम ही है तो हम उसको बोलेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ये एक प्रकार का क्या होता है एक्जोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है टर्मिनोलॉजी थोड़ी सीखते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन्स कौन से होते हैं इन मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी नीड डिफरेंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ठीक है टू ड्रॉ डिफरेंट व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्री सच प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इच अदर आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स और रेफरेंस प्लेन यहाँ पे देखिए मैंने ग्राउंड के पैरल जो प्लेन होता है उसको हॉरिजेंटल प्लेन बोलते हैं सो अ प्लेन पैरल टू द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल प्लेन ठीक है दूसरा है परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड प्लेन को उसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन तो ये अपना क्या है वर्टिकल प्लेन ठीक है एंड अनदर प्लेन परपेंडिकुलर टू एच पी एंड वी पी प्रोफाइल प्लेन तो ये वाला जो है प्रोफाइल प्लेन मतलब ये तीन डायरेक्शन हो गई फ्रंट टॉप एंड साइड बैक भी होती है बॉटम में भी होती है ठीक है लेकिन मिनिमम तीन प्लेन से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पिक्टोरवल दिया गया है अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये मेरी फ्रंट साइड है ठीक है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्शन इन तीन जो प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन है उसके ऊपर ही करना होता है नाउ प्लेन इंक्लाइन टू एच पी एंड वीपी और वीपी एंड परपेंडिकुलर टू देंस प्लेन इज कॉल्ड ऑक्जरल प्लेन ठीक है तो यहां पर कोशिश करते हैं तो उसको समझने की अगर मैं कोई ऐसा प्लेन ड्रॉ करता हूं चलिए मैं इस तरह का प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ ठीक है तो एचपी के साथ उसने एंगल बना दिया लेकिन वीपी के साथ क्या है परपेंडिकुलर है तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलेंगे ऑग्जरेल प्लेन बोलेंगे प्लेन इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वीपी इज कॉल ऑब्लिक प्लेन तो ये कैसे होगा तो चलिए मैं इसको कोशिश करता अगर मैं ऐसा प्लेन बनाता हूँ जो वीपी के साथ भी क्या बना रहा है एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है और हॉर्जेंटल के साथ भी क्या बना रहा है एंगल बना रहा है तो ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन नाउ इन मल्टी व्यू प्रोजेक्शन द ऑब्जर्वर इज सपोज टू लुक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिक्स डिफरेंट प्रिंसिपल डायरेक्शंस सामने से पीछे से ऊपर से साइड में से राइट साइड में से बॉटम से तो एक क्यूब की छः साइड होती हैं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ए तो वही सिक्स डिरेक्शन में उसको देखना है और ये सारे जो हमने जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो ये सारे प्लेन पर हम क्या करेंगे उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो फ्रंट में से देखेंगे तो उसको बोलते हैं फ्रंट व्यू सो फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पे सिक्स डिरेक्शन कौन सी होगी फ्रंट टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ये सारी सिचुएशन हो चुकी है ठीक है सो फ्रंट साइड टॉप लेफ्ट एंड बॉटम नाउ नीज व्यूज आर कॉल्ड प्रिंसिपल व्यूज क्योंकि हम उसको प्रिंसिपल प्लेन पर बना रहे हैं इसलिए जो भी व्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल व्यू

तो वहां पे सर्कल की ज्योमेट्री हमें ट्रू डायमेंशन में नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमें यहां पे ऑग्जररी प्लेन बनाना पड़ता है और उसको प्रोजेक्ट करते हैं यहां पे ऑग्जरे व्यू बनाना पड़ता है तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन हो गई देखिए अब ये सोचना है कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट करें ऑब्जर्वर के सामने ऑब्जेक्ट हो सकता है ठीक है तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ पे है ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में है या फिर ये ऑब्जेक्ट पीछे है और प्रोजेक्शन प्लेन बीच में है मैं आई कोशिश करता हूं थोड़ा और यहां पे समझाने के तो बिकॉज ऑफ वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोफाइल प्लेन यहां पे क्या हो सकता है चार रीजन बनते हैं तो फर्स्ट क्वार्रंट सेकेंड क्वारंट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर अगर फर्स्ट क्वार्रंट में यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप देख रहे हैं यहां से तो होगा क्या प्रोजेक्शन प्लेन पीछे है और बीच में ऑब्जेक्ट है और आप सामने हैं तो जो भी देखेंगे आप पीछे वाले प्रोजेक्शन प्लेन पर ही बनाने वाले हैं अगर उसको टॉप में से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आप क्या करेंगे उसको प्रोजेक्ट करेंगे यानी कि हमारा प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट के पीछे है अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैथड्स तो किस तरह से प्रोजेक्ट करना है तो पहली मेथड है ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इन विच ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो अभी मैंने बताया बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई प्लेन है फ्रंट साइड सॉरी वर्टिकल प्लेन ऑब्जर्व प्लेन या फिर हॉरिजेंटल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन और ये ऑब्जेक्ट और हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो भी हम देखेंगे इसके पीछे ही हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर से देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन करेंगे ठीक है साइड में से देखेंगे तो राइट एंड प्लेन प्रोफाइल प्लेन उसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे यानी कि जो जहां से देख रहे हैं जो भी व्यू हम देख रहे हैं उसको हम ऑपोजिट साइड में जो प्लेन है वहां पे हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड इसका सिंबल यहां से ट्रंकेटेड कौन सा अगर मालूम पड़ेगा मैं यहां से देखता हूं तो छोटा वाला सर्कल यहां पे कंप्लीट देखेगा और ये जो ज्योमेट्री है थोड़ी कन्वर्स uh, बाहर निकल रही है तो इसकी वजह से क्या होगा ये बोटा सर्कल भी दिखेगा तो ये भी फुल डायरेक्शन तो ये जो सिंबल है देखिए इसमें क्या होगा इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन थर्ड कॉर्डर बिहाइंड प्रोजेक्शन प्लेन आइए मैं यहां से जाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं ठीक है तो ये हमारा थर्ड क्वारंट है ठीक है यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऐसा ठीक है समझ लीजिए मैं तो यहीं पे हूं मैं कहीं नहीं गया हूँ ऑब्जर्वर तो यहीं पे है तो यहाँ से मैं देखूंगा तो मुझे ये फ्रंट साइड दिख रही है लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ करूँगा पीछे तो कोई प्लेन नहीं तो मुझे आगे वाले वर्टिकल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो फ्रंट व्यू कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में आएगा दूसरी तरह से बोले तो प्रोजेक्शन प्लेन विल बी बिटवीन द पार्ट एन ऑब्जर्वर उसी तरह अगर मैं टॉप व्यू देखना चाहूंगा इस ऑब्जेक्ट का तो क्या होगा नीचे कोई प्लेन नहीं है तो मुझे यही ऑरिजेंटल प्लेन पर उसको क्या करना पड़ेगा टॉप व्यू यहाँ पे बनाना पड़ेगा ठीक है उसी तरह साइड भी होता है यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है वेरी सिंपल इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन थर्ड कॉर्डर राइट यानी कि क्या हो रहा है कि भाई हम यहाँ पर समझे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है प्रिंसिप्लिन बीच में आ जाता है और ये ऑब्जर्वर है ठीक है अभी सीखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो पीछे तो कोई प्लेन नहीं है तो फ्रंट के साइड में प्लेन है अपना वर्टिकल तो फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा अगर ऊपर से देखें तो अपने पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये थर्ड क्वार्टन में है ठीक है इट इज इन थर्ड क्वार्टर इसकी वजह से उनको बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लेकिन होगा ये सारे के सारे प्रिंसिपल व्यू कहाँ पे सिंपल भाषा में समझे कि जहां से हम देख रहे हैं, हैं वहीं पर अगर ड्रॉ कर ले के फ्रंट व्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया टॉप यू मैंने यहाँ पे कर दिया जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहीं मेरे साथ ही सामने ही मैं ड्रा कर रहा हूँ तो वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बन जाएगी तो देखिए फर्स्ट में क्या था तो ये हमारा फ्रंट व्यू था इसी ऑब्जेक्ट का ठीक है तो हमने टॉप में से देखा तो टॉप व्यू हमने नीचे ड्रॉ किया क्योंकि नीचे हमारे पास प्लेन था उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में से देखेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा और राइट में से देखेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ पर हम लेफ्ट में ड्रा करते हैं मतलब अपोजिट साइड ड्रा करते हैं उसी तरह थर्ड एंगल में थोड़ा उल्टा होता है फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के बाद हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू वहीं पर ही करेंगे ऑपोजिट साइड पर नहीं करेंगे उसी तरह लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड भी ड्रा कर लेंगे उसी तरह राइट right में देखेंगे तो राइट साइड right पर ही ड्रा कर देंगे क्योंकि अपना प्रोजेक्शन प्लेन यहीं पर ही है ठीक है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिम्बॉल ये होता है जहाँ पे ट्रंकेटेड कोन है और दो सर्कल अब लेफ्ट साइड होते हैं यानी कि हमने यहाँ पे देखा और वहीं पर ये छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल बना दिया ऑपोजिट साइड हम नहीं जा रहे हैं ठीक है आइए थोड़े हम एग्जाम्पल समझते हैं तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल दिया गया है और ये जो एरो इंडिकेट करता है एक्स और एफ भी लिखा होता है कभी कभी तो वो डायरेक्शन हमारी क्या है फ्रंट डायरेक्शन है यानी कि फ्रंट व्यू वहाँ से हमें मिलेगा तो देखिए ये जो है मैं जो बना रहा हूँ ये है फ्रंट व्यू तो अपना फ्रंट व्यू यहाँ पे मिल गया देखिए ठीक है और ये जो मेथड से बनाया है आर्थोग्राफी उसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्यों कि फ्रंट व्यू बन गया लेकिन टॉप्यू बनाने के लिए हमने क्या किया ये इमेज ली और ये भी लिया और उसको हमने अपोजिट साइड यानी कि बॉटम साइड में ड्रा कर लिया इस तरह से ठीक है और ये देखिए राइट हैंड साइड व्यू मतलब मैं क्या करूंगा यहां से देखूंगा राइट हैंड साइड में मान लीजिए आप यहां पे खड़े हुए तो आपका राइट हैंड साइड कहाँ हुआ इस इस तरह से हुआ लेफ्ट हैंड कहाँ हुआ इस तरह से टॉप कहाँ हुआ ऊपर से बॉटम से बॉटम व्यू ठीक है तो आप क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो ये हमारी इमेज होगी ठीक है ये और बॉटम वाली तो हमने क्या किया यहाँ से देखा और इसको यहाँ पे क्रिएट किया तो ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ हैं हमने जो क्रिएट करे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से करे हैं और यहाँ पे देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है ठीक है मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो फ्रंट व्यू तो मैंने बना लिया है क्लियर अब मैं टॉप में जा रहा हूँ टॉप व्यू बनाना है तो मैं जहाँ देख रहा हूँ वहीं पर मैं इमेज बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं यहीं देख रहा हूँ तो यहीं पर बना रहा हूँ अगर ये फर्स्ट एंगल होगी होती तो ये टॉप व्यू यहाँ पे नीचे आता है बस ओनली पोजिशन ही बदल दी और कुछ नहीं यहाँ पे देखिए कि राइट हैंड साइड भी बनाया तो कैसे बनाया राइट हैंड साइड भी, right भी यहां से दिख रहा है तो ये सारी चीजें दिख रही है ये वर्टिकल सिलेंडर दिखेगा तो मैंने वहीं पे बनाया जहां से देख रहा हूं वहीं पे बना रहा हूं तो वो हो गई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड आइए अब पार्ट ड्राइंग क्रिएट करते हैं यहां पे देखिए एक्सरसाइज में हमें पिक्टोरियल व्यू और आप बोले तो आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है और उसमें से हमें क्या करना है ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाना है लेकिन यहाँ पे हमें दो व्यू बनाने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यूजिंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड आप मैट्रिक टेम्पलेट इस्तेमाल कर लीजिए मैंने पहले से आपको फाइल दे रखी है आप उसको ओपन उस करिए और वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अगले मॉडल में हमने सीखा भी कैसे हमारा अपना मैट्रिक टेम्पलेट बना सकते उस टेम्पलेट को भी आप इस्तेमाल कर सकते देखिए आंसर क्या होगा आइए देखते हैं तो ये हमारा क्या है फ्रंट व्यू है ये हमारा क्या है टॉप व्यू है तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड टॉप व्यू हमने नीचे देखा है नीचे बनाया है ऊपर से देखते हैं और नीचे बनाते हैं और दो व्यू में कॉमन क्या है विड्थ 86 ठीक है ये चीज कॉमन है अगर साइड व्यू होता तो दोनों में क्या कॉमन होता हाइट कॉमन होता ठीक है और ये साइड व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन होता जो डेप्थ है ये डेप्थ वो कॉमन होती है और एक चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत है फ्रंट व्यू हो या टॉप व्यू एक लाइन में होते हैं ठीक है फ्रंट व्यू हो या साइड व्यू दोनों एक ही लाइन में होते हैं कभी ऐसा नहीं होता ऊपर नीचे और एक दूसरा एग्जाम्पल भी है जिसको भी हमें क्या करना है फ्रंट व्यू टॉप व्यू में बनाना है लेकिन इस, इस बार हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड इस्तेमाल करनी है तो ये उसका आउटपुट है ठीक है और असाइनमेंट मैंने दे रखे हैं असाइनमेंट वन टू थ्री एंड फोर जो आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है तो ये हम प्रैक्टिस करते हैं दोनों एक्सरसाइज ऑटो कैडमी तो आप ड्राइंग फाइल्स में मॉड्यूल एलेवन में यहाँ पे देखिए मैंने अनफिनिश्ड ड्राइंग फाइल्स दी हुई हैं और उसके साथ कंप्लीटेड एक्सरसाइज भी दे रखी है अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो ये जो कम्प्लीटेड एक्सरसाइज आप उसको ओपन कर लीजिए और देखिए भी कहाँ गलती हो रही है ठीक है तो ये जो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन आप उसको ओपन कर लीजिए जिसमें मैंने जेपीजी में डाल रखी है अगर आप चाहे तो ये मैट्रिक वाला टेम्पलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइट क्लिक कीजिए और उसको ओपन कर दीजिए तो इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट एंगल मेथड इस्तेमाल करते हुए ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है तो कैसे करेंगे देखिए ये एरो जो दिखा रहा है एरो दैट शोज इट इज अ फ्रंट व्यू साइड तो मैं कोशिश करता हूं कि भाई पहले तो मुझे फ्रंट व्यू में विड्थ निकालनी पड़ेगी और हाइट निकालनी पड़ेगी तो विड कितनी है तो ध्यान से देखिए 60 मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ये 60 है और मैक्सिमम यहाँ पे देखिए रेडियस दी गई है 26 तो आप क्या कर सकते हैं दोनों का समेशन कर सकते हैं तो टोटल हुआ 86 तो हमारी विड्थ हुई गई 86 ठीक है उसके अलावा हाइट कितनी बनेगी तो यहाँ पे 6 तो है ही और 22 तो 28 हो गई और उसके अलावा अपनी ये जो हाइट है यहाँ पे थर्टी फोर दी गई मतलब 17 क्या करनी पड़ेगी ऐड करनी पड़ेगी सो so, ट्वेंटी एट प्लस सेवनटीन तो हो गई फोर्टी फाइव ठीक है तो आइए हम कोशिश करते हैं कि पहले बॉटम वाला पार्ट बना लेते हैं तो जिसकी विथ कितनी होगी एटी सिक्स टैब डेप्थ होगी सिक्स ठीक है आई मैं पोली लाइन को इस्तेमाल करता हूं और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाऊंगा ट्वेंटी टू ठीक है ए स्पेस फॉर आर्क अब देखिए आर्क में कितनी विड्थ है दी गई है इमेज में 34 तो मैं 34 फोर लूँगा ठीक है अब एल स्पेस फॉर टू कन्वर्ट इनटू लाइन यहाँ पे कितना होगा 22 ठीक है मैं क्लोज कर देता हूँ आइए मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर ले लेता हूँ यहाँ पे डायमीटर दिया है 17 देखिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं आपको अभी थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैंने मोटा मोटा फ्रंट व्यू बना लिया अब मुझे क्या करना है टॉप व्यू बनाना है ठीक है यहाँ से मैं यहाँ एक लाइन बनाऊंगा एंटर फिर से मैं यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन बनाऊंगा एंटर तो मेरे मुझे क्या होगी आसानी रहेगी क्योंकि एक डायमेंशन मुझे तो मिल गया दैट इज़ विथ 86 सिक्स यहाँ से डेप्थ निकालनी है एक ये मेथड होती है दूसरी आप ड्राइंग को समझिए और उसको समझने सीधा ही आप क्या कर सकते हैं ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग टॉप टॉप्यू बना सकते हैं देखिए मैं उसको मैं ट्राई करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले यहाँ से देखिए मैं इस तरह से आ रहा क्लियर और यहाँ से 86, ठीक है यहाँ पे कितना है ट्वेंटी ठीक है चलिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं है सेंटर कहाँ पे है ठीक है अब देखिए कि इसको अगर बनाना है तो उसका सेंटर रखना पड़ेगा तो सेंटर यहाँ पे दिया गया है फोर्टीन प्लस एस विच इज ट्वेंटी तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लूँगा ट्वेंटी ठीक है अब यहाँ से सीधा मैं कहाँ जाऊँगा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगा तो सर्कल कमांड लूँगा लूंगा और यहाँ से राइट right साइड पे रेडियस डिस्टेंस छोड़ते हुए 26 और मैं यहाँ से यहाँ पे टच कर लूंगा ठीक है आइए मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ और मैं एक टेंजन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से शिफ्ट राइटली टेंजेंट ठीक है हो गई आइए मैं ट्रिम कर लेता हूँ तो ध्यान रखिए कि ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन में होने चाहिए जिसकी वजह से विड़थ डायमेंशन कितना रहेगा कॉमन रहेगा अब इसको सेव कर ले अब आइए कोशिश करते हैं कि ये जो पार्ट है उसको टॉप व्यू में बनाना है ठीक है अब उसकी विड़थ हमें दी गई एट तो यहां से मैं नीचे की तरफ आऊंगा प्रोजेक्ट करता हुआ और एट डायमेंशन टाइप करूंगा डायरेक्ट डिस्टेंस मेथड फिर मुझे कितना जाना है यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं ठीक है यहां से और ऊपर की तरफ एट यानी कि मोटा मोटा मेरा फ्रंट टॉप टॉपी बन चुका है अब मुझे क्या करना है सेंटर लाइन ऐड करनी है तो यहाँ से मैं सेंटर लाइन लेयर एक्टिव कर दूंगा। आप बीच बीच में ड्राइंग को सेव करते रहिए मैं यहाँ से क्विक एक्सेस बार में मैंने ये दो जो ऑप्शन है डाले हुए अगर आपको नहीं मिले एनोटेटिव में चाहिए जाइए यहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं ठीक है एक वाला ठीक है और दूसरा जो है ये वाला जहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको और इसको क्लिक कर सकते हैं ठीक है चलिए ये सेंटर लाइन हम क्यों डाल रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये जो फीचर्स हैं वो सिलेंड्रिकल है जहाँ जहाँ भी सर्कल्स आर का वो होता है वहाँ पे सेंटर लाइन और सेंटर मार्क बनाना पड़ता है ये स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है आइए अब कोशिश करते हैं कि टॉप व्यू में हिडन लाइन बनाते हैं इस सर्कल के लिए ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं हिडन लेयर एक्टिव करते हैं चलिए मैं कोशिश करता हूँ लाइन कमांड लेते हुए मैं यहां से सीधा सीधा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ है एट जो मुझे मालूम है ठीक है उसी तरह वहां से मैं रिपीट करूंगा ठीक है यहां से एट अब ये प्रोजेक्शन लेने के लिए ऑटोग्राफिक आप मोड चाहे तो ऑन रख सकते हैं ट्रैकिंग ऑन रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन रखें वरना ये पॉसिबल नहीं होगा लेकिन ध्यान से देखिए कि ये सेंटर लाइन हिडन लाइन प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो आइए मैं लाइन टाइप स्केल बदल लेता हूँ एल और कर देता हूँ तो आप देखिए कि सारी सारी लाइन जितनी होती है डैश लाइन और सेंटर लाइन उसका रेशियो मैंने जो मैग्निफिकेशन स्केल था वो मैंने हाफ कर दिया उसकी वजह से अब दिखने लगी है अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ रह गया नहीं बाकी का सारी चीजें अब आ चुकी हैं ठीक है थीके? अब रह क्या गया डायमेंशन तो मैं मोटा मोटा डायमेंशन दे देता हूं यहां से कोशिश करता हूं तो ये जो है अपना सिक्सटी है ठीक है उसके बाद क्या है ये अपना रेडियस है ट्वेंटी सिक्स फिर टॉप में यहां से यहां तक कितना एट है फिर यहाँ से ये फोर्टीन है ठीक है तो टॉपी में जितना आपको दिख रहा है डायमेंशंस वो आप वहाँ पर डाल दीजिए बाकी का जो विड्थ है आप फ्रंट में डाल दीजिए यहाँ से यहाँ है ठीक है आप डायमेंशन स्टाइल जानते हैं कैसे बनाना है आप कर सकते हैं अब मैं देखिए यहाँ से ये और ये ट्वेंटी टू रखूँगा ठीक है इसके अलावा मैं इसको यहाँ रख देखूंगा तो तकरीबन सारे डायमेंशन आ, आ चुके हैं अगर कुछ रह जाता है आप ऐड कर लीजिए ठीक है मैं सेव कर लेता हूँ जैसे बताया कि आपको इसको क्या करना है कि ए फोर्स पोर्ट्रेट में पी में प्रिंट आउट निकाल ली है चलिए हम कोशिश करते हैं पोर्ट्रेट में जाते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे लेयर को चेंज कर लीजिए और व्यू पोर्ट सॉरी इंसर्ट कीजिए I space for insert. तो ए फॉर पोर्ट्रेट टाइटलिक इंसर्ट मैं जीरो मैं जीरो कर दूंगा यहां पे पूछ रहा है कि किसने बनाया तो मैं वही डिफॉल्ट रख रहा हूं और नाम दे रहा हूं ब्रैकेट ठीक है क्लिक ओके चलिए व्यू बना दे लेआउट में चले जाइए यहां से क्लिक कर दीजिए या फिर टाइप कर सकते हैं पोर्ट ठीक है यहां से यहाँ क्लिक कर दीजिए यहां से व्यू पोर्ट स्केल सेट कर लीजिए वन जम वन और इसको बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है कि इमेज डिस्टर्ब कर रही है आपको तो आप इसमें इमेज को डिलीट कर सकते हैं ठीक है अब इसको सेट कर लीजिए और सेव कर लीजिए ठीक है सो इस तरह से हम इस पार्ट को प्रिंट कर सकते हैं तो आइए कोशिश करते हैं कंट्रोल पी देखिए यहां पे मल्टीपल व्यू पॉइंट है इसलिए वो पूछ रहा है कि आप एक ही सीट प्लॉट करना चाहते हैं हाँ हम वही करना चाहते हैं हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि सारी की सारी चीजें सेट है क्योंकि हमने पेज सेटअप बनाया हुआ है मार्जिन वो सब सेट किया हुआ है ठीक है आइए प्रीव्यू देख लेते हैं तो सही जा रहा है उसको प्लॉट कर लेते हैं ठीक है मैं क्लिक कर देता हूँ चलिए क्लियर सो आउटपुट हमें मिल गया है उसको बंद कर देते हैं और सेव कर लीजिए तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू ओपन कर लीजिए ठीक है यहाँ पे इमेज दी गई है देखिए ये जो साइट हमारी फ्रंट व्यू साइट है तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो मेक तो श्योर sure के ऑब्जेक्ट लेयर ऑन हो और हम पोली लाइन ले लेते हैं ठीक है यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ तो हॉरिजॉन्टली 80 है ठीक है वर्टिकली कितना है 18, ठीक है अब ये डायमेंशन कितना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं टॉप वाला 50 है और 80, तो 80 माइनस फिफ्टी कितना 30, तो दोनों सिमेट्रिक अगर रखेंगे तो ये होगा 15, ठीक है वर्टिकली कितने होगा 48 एट माइनस एटीन तो 30 ये होगा 50 ये होगा 30 ये होगा 15 ठीक है और बाद में यहाँ पर आप क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं या फिर सी क्लोज कर दीजिए अब आइए सर्कल को ड्रॉ करते हैं जिसका डायमीटर कितना है 30 है अभी वो कहाँ से है तो इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से ले सकते हैं क्योंकि वो सेंटर में ही है तो यहीं से 40 और वर्टिकली कितना है ट्वेंटी तो सी स्पेस सिर्फ राइटली फ्रॉम इसको आप क्लिक कर दीजिए सिर्फ एट द रेट फोर्टी कामा ट्वेंटी सेवन देखिए इसीलिए मैंने पहले मॉड्यूल में जो लाइन कमांड में सिखाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड एब्सोलट मेथड रिलेटिव रेक्टेंगल मेथड रिलेटिव पोलर मेथड अब देखिए हम यहाँ पे इसको, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है थीके? हिट द एंटर डी स्पेस डायमीटर कितना है थर्टी है चलो इसको सेव कर लेते हैं अब आइए टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं रेक्टेंगल का मान लेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ ठीक है कितने की विड तो हमें मालूम है एटी या फिर यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं ठीक है जैसे ट्रैक करेंगे तो आपको वैल्यू बताएगा वहाँ पर टाइप कर दीजिए एटी टैप दबाइए तो विड कितनी अपनी 42 है अपनी फोर्टी टू है ठीक है चलिए अब यहाँ से आप आसानी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं लाइन तो मैं वही करने वाला हूँ तो यहीं से मैं जाऊँगा क्लिक कर दूंगा वर्टिकली 42 टू ये सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छी है चलिए मैं फिर से लाइन लेता हूँ और यहाँ से प्रोजेक्ट करूंगा और इंटरसेक्शन से शुरू करके डायमेंशन मुझे मालूम है 42 अब टॉप व्यू वाला जो सर्कल है वो एक्जैक्टली exactly सेंटर में है क्योंकि ये 42 है 21 है और ये 50 है तो 25 तो कैसे करेंगे सी स्पेस ठीक है अब मैं सिर्फ राइट लिक मिडवे बिटवीन टू पॉइंट कर सकता हूँ यानी कि ये कॉर्नर वाला पॉइंट ये कॉर्नर वाला दोनों के बीच का पॉइंट ले सकता हूँ या फिर मैं अपनी जो रिलेटिव रेक्टेंगल मेथड है उसको ही इस्तेमाल करूंगा तो सिर्फ राइट लिक फ्रॉम तो यहीं से सिर्फ एट द रेट कितना होगा हॉरिजोनटली ट्वेंटी फाइव वर्टली कितना होगा ट्वेंटी वन ठीक है डायमीटर कितना है फोर्टीन अब देखिए बेसिकली मेजर ज्योमेट्री बन चुकी है अब हमें बनानी हिडन जियामेट्री ठीक है geometry, उसके पहले हम क्या करेंगे कि सेंटर लाइन को एक्टिव कर लेंगे और सेंटर्स जो हैं सेंटर लाइन मार्क्स उसको ड्रॉप कर देंगे ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे हिडन जियामेट्री उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं तो टॉप में क्या आएगी तो ये जो ट्वेंटी वाली है वो आएगी तो उसको हम कैसे कर सकते हैं तो पूरा फोर्टी टू है ट्वेंटी सब्सट्रैक्ट कीजिए ट्वेंटी टू तो इलेवन ठीक है तो यहाँ से इलेवन करना है ठीक है औरजेंटल कितना है एटी अब इसको हम क्या करेंगे मिरर कर देंगे अगर आप चाहें तो फिर से ड्रा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं मिरर कर देता हूँ चलिए हो गई टॉप में अभी कुछ और बाकी हाँ ये जो सर्कल है तो यहाँ पर इसको हिडन आएगा और यहीं से भी हिडन आएगा तो आइए लाइन ड्रॉ करता हूँ यहीं से शुरू करता हूँ और विट कितनी होगी इलेवन जो मुझे मालूम है ठीक है चलिए फिर से मैं शुरू करता हूँ यहाँ से इट इंटरसेक्शन से ऊपर की तरफ इलेवन होगी ठीक है आइए इस लाइन को हम क्या करते हैं मिरर लाइन कर देते हैं चलो मिरर बना देते हैं उसको चलिए तो ये जो हिडन पोर्शन आया तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है तो टॉप ही में ऐसा दिखेगा और देखिए दिखे कि भाई ये जो 20 वाला डेप्थ है वो कहाँ से 19 है तो मैं फिर से लाइन लूँगा और यहीं से ऊपर की तरफ 9 और ओरिजेंटली 18 तो हो गए अब मुझे फ्रंट में क्या ड्रॉ करना है ये टॉप वाला सर्कल है यहाँ से मुझे क्या करेगा हिडन दिखेगा तो फिर से लाइन ले लीजिए अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो यहीं से ड्रॉप करूँगा यहाँ तक और कहाँ तक जाऊंगा नीचे थोड़ा ऐसे कर लूंगा फिर इसको ट्रिम कर लेता हूँ ठीक है चलिए अब मैं इसको मिरर कर देता हूँ अब आइए एल टी एस स्केल करके उसका स्केल कम कर दे रहे सारी लाइनों का ठीक है देखिए सेव कर लीजिए तब ध्यान से देखें कि हमने फ्रंट व्यू भी, भी बनाया और टॉप भी, भी बनाया कहीं कुछ रह जाता है तो आप सोचिए और उसके हिसाब से ऐड कीजिए ठीक है अब मैं डायमेंशन ऐड कर लेता हूँ जो फ्रंट में दिख रहे वहाँ पे फ्रंट वाले डायमेंशन ही देने हैं ठीक है थीके? तो ये जो है सॉरी मैं तो ये डायमेंशन देते हैं यहीं से ये वाला तो ये फोर्टी ठीक है फिर उसके बाद यहीं से ए वाला एटी अगर आपको लगता है कि डायमेंशन में टैक्स हाइट ज्यादा है तो डी स्पेस कहिए यहां पे आइए मॉडिफाई कर लीजिए यहाँ पे देखिए ज्यादा है फोर पॉइंट फाइव तो आइए उसको हम कम कर लेते हैं इसको कर लेते हैं थ्री पॉइंट फाइव ठीक है अप्लाई कर लीजिए सेट करंट एंड क्लोज सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बीच में ही फोन साइज कम कर सकते हैं आइए और डायमेंशन दे देते हैं तो ये वाला 18, उसके बाद ये सेवन ट्वेंटी और इसके बाद ये 48 वाला ठीक है चलिए क्लियर अभी मैं कंट्रोल जी करता हूँ और वही डायमेंशन अपने जो सीखे हैं एनोटेशन में जो कंटिन्यूस वाला बेस लाइन वाला उसको हम इस्तेमाल करते हैं चलिए ये मैंने बना लिया यहाँ से यहाँ हो गया अब मैं आऊँगा एनोटेड में और यहां से मैं कोशिश करूंगा बेस लाइन लेने की ठीक है तो ये मेरा 27 है ये मेरा 48 है हिट है एंटर ठीक है अब आइए उसको हम स्पेसिंग भी सेट करते हैं तो ठीक तो तो है तो एडजस्ट द स्पेस तो कह रहे हैं सिलेक्ट द बेस डायमेंशन तो ये बेस डायमेंशन है सिलेक्ट डायमेंशन टू स्पेस तो ये और ये ठीक है अब बोल रहा है कि डायमेंशन स्पेस दीजिए तो मैं ऑटो में जा रहा हूं तो अपने आप उसने क्या किया टेन पॉइंट जो वैल्यू होती है डिफॉल्ट उसने लेके स्पेस कर दिया है आइए कुछ और डायमेंशन भी डाल देते हैं तो फ्रंट में डालेंगे डायमीटर इस तरह से ठीक है चलिए अब मैं टॉप में जा रहा हूं तो टॉप का जो डायमेंशन है वो डालूंगा ठीक है यहां पे ठीक है दूसरा यहां से यहीं ये यह ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी वन डालेंगे ये वाला और यहाँ से ठीक है दूसरा यहाँ से फोर्टी टू ओके चलिए अब जो विड्थ वाला जो डायमेंशन है उसको हमें सेट करना पड़ेगा तो देखिए हमने एक गलती करी हुई हम भूल गए ये जो ट्वेंटी वाला डायमेंशन है ट्वेंटी वाला उसको हमने यहाँ से ड्रॉ नहीं किया तो उसको भी ड्रॉ करते हैं तो हाइट कितनी है थर्टी थर्टी में से 20 निकल जाएगा तो ऊपर से कितना आएगा फाइव क्लियर तो फाइव लेके हम क्या करेंगे हिडन लाइन बनाएंगे थर्टी और ट्वेंटी मतलब टेन टेन डायमेंशन होगा राइट सो टेन चलिए कितना है फिफ्टी तो ऐसी गलती हो सकती है तो बीच वाला तो ओपन स्पेस है उसको ट्रिम करना पड़ेगा ठीक है चलिए हो गया इसका भी हम डायमेंशन दे देते हैं तो यहीं से ये जो है ट्वेंटी है क्लियर आई टॉप में भी डायमीटर दे देते हैं फोर्टीन क्लियर तकरीबन सारे जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन हमने दे रखे हैं अब ये ट्वेंटी और नाइन्थ वाला बाकी वो भी दे देते हैं ठीक है तो यहीं से ये जो है नाइन है और ये जो है वो ट्वेंटी है ठीक है ओके डन कर लीजिए अगर कुछ रह जाता है तो आप ऐड करने की कोशिश करें अब मैं इसको इमेज को डिलीट कर देता हूं अब इसको मैं ए फोर पोर्ट्रेट में क्या करूँगा प्लॉट करूंगा आप लेयर को सेट कर लीजिए सो आई आई फॉर इंसर्ट ब्लॉक इंसर्ट करना है हमें जीरो कॉमा जीरो स्केल में वही रखूंगा क्योंकि छोटी इमेज है नाम रखूंगा बेरिंग ब्लॉक ठीक है चलिए हो गया आइए हम व्यूपॉट क्रिएट करते हैं वीपीआर टी एस व्यू पॉट अकेला ही करूंगा सिंगल वन ठीक है यहाँ पर क्लिक करके एक्टिव करके उसको यहाँ से प्लॉट स्केल जो होता है अपना ये, ये वाला उसको सेट कर लीजिए ओके अगर आप चाहते हैं उसको सेंटर में रखना है तो सेंटर में भी रख सकते हैं ठीक है चलिए सेव कर लीजिए और कंट्रोल पी करके प्लॉट करने की कोशिश करिए प्रीव्यू देख लीजिए सही है कि नहीं ओके तो राइट क्लिक एंड प्लॉट चलिए हो गया तो सही तरह से प्रिंट आउट हमें मिल रही है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में सेव कर लीजिए